दोस्तों, आप कई बार हमें ये पूछते हैं कि ऐसे कौन से बिजनेस है जो इसमें सरकार मदद करती है, यानी कि आर्थिक तौर पर जहां पर सरकार की मदद ली जा सकती है। तो आज का ये वीडियो उन्हीं सवालों का जवाब है और तमाम पहलू हमने इस पर कवर करने की कोशिश की है। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए किस तरह के और वीडियोज़ आपको चाहिए और कौन कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस प्लेटफॉर्म पर, यानी कि ओके क्रेडिट के प्लेटफॉर्म पर जरूर मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से बिजनेस है जहां पर सरकार आपकी मदद करने को हमेशा तैयार है। तो पहला बिजनेस आता है बेकरी का। फास्ट फूड के बढ़ते चरण के कारण इस बिजनेस को आप भारत के किसी भी छोटे या बड़े शहर में शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको शुरुआत में 85,000 रुपए अपनी जेब से और बाकी के 3.5 लाख रुपए सरकार से ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आप 2.95 लाख रुपए टर्म लोन और 1.50 लाख रुपए का कार्यशील पूंजी लोन यानी वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते हैं। इस बिजनेस से आप अपनी लागत को निकाल कर लगभग 35,000 रुपए प्रति महीना कमा सकते हैं। बेकरी के बाद सैनिटरी नैपकिन का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर सरकार आपको आर्थिक मदद करती है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 1.5 लाख रुपए की जरूरत होगी। इसमें 1.35 लाख का लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से मिल जाएगा। यदि आप 1,440 सैनिटरी नैपकिन एक दिन में तैयार करते हैं और एक पैकेट में 8 नैपकिन भी रखी होती हैं, तो एक साल में 54,000 पैकेट तैयार किए जा सकते हैं। यदि एक पैकेट की कीमत 13 रुपए रखी जाती है तो आप साल भर में लगभग 7 लाख रुपए की बिक्री कर सकते हैं और यदि इस आय में से पूरी लागत को निकाल दिया जाए तो साल में 2 लाख रुपए तक की बचत की जा सकती है। अगला बिजनेस है रेडीमेड गार्मेंट्स का बिजनेस। छोटे और बड़े सभी शहरों में शुरू किया जा सकने वाला ये बिजनेस बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। इस बिजनेस को आप 50,000 से 80,000 रुपए की लागत से शुरू कर सकते हैं और महीने में आपकी कमाई 20,000 से 40,000 रुपए तक हो सकती है। इसमें आपको प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम के तहत 1.10 लाख का टर्म लोन और 2.25 लाख का वर्किंग कैपिटल लोन मिल सकता है। अगला बिजनेस आता है मुर्गी पालन का बिजनेस। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको पहले ये शर्त पूरी करनी होगी कि आपके 500 मीटर के दायरे में कोई और मुर्गी पालन केंद्र ना हो। इसके लिए अगर आपको लोन की जरूरत है तो आप भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी पास की ब्रांच में जाकर ब्रॉयलर प्लस नाम की योजना के तहत 5,000 मुर्गियां पालने के लिए 3 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं और यदि आप 15,000 मुर्गियां पालना चाहते हैं तो मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल जाएगा। ये लोन छप्पर बनाने, कमरा बनाने, पानी और बिजली की व्यवस्था करने और बाकी खर्चे के लिए मिलता है। इस लोन को चुकाने के लिए आपको 5 साल का समय भी मिलेगा, जिसे ना चुका पाने की हालत में 6 महीने तक का और समय भी मिल सकता है। तो ये थे वो तमाम बिजनेस जहां पर सरकार आपकी आर्थिक मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और रही हमारी बात, तो हम भी आपकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन बस आपको कमेंट बॉक्स पर लिखना है कि आपको किस तरह के वीडियोस और चाहिए, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। नमस्कार। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।